गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऑप्टिक्स में थे और 37 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लास्ट टाइम एक जो क्वेश्चन मिसिंग था ना लास्ट लेक्चर में, वो एक्चुअल में पहले आ चुका था, मतलब दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया था। अब चलते हैं 38। इसमें तुम्हें ये दिया था कि एक कनकेव मिरर ऐसे रखा हुआ है, और इसका जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज यहीं पे कोइंसाइड की होगी। लेकिन फिर तुमसे कहता है कि अगर इसमें लिक्विड फिट कर देते हो तो फिर इमेज कहाँ बनेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है कि जी सर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, ठीक। अब तुमसे कहता है कि अगर लिक्विड फिल कर दोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, तो थोड़ा सा देखो रे डायग्राम से देख लो, वो बेटर रहेगा। तुम एक बात बताओ कि पहले रे ऑफ लाइट ऐसे गई मान लो, हाँ कोई, अब ये बताओ ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, बताओ ये ऐसे बेंड होगी क्यों? ठीक। जी सर। अब यहां पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा ना, यहाँ पे नॉर्मल तुम देखोगे तो सी से ही तो पास होगा कि नहीं होगा पता जो है। ये बताइए नॉर्मल नहीं होगा पता जो है, यहाँ पे अगर नॉर्मल देखोगे तो ये बनेगा ना, ठीक। और फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ऐसे आ गया, और फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्यों ये ऐसे आ जाएगी ना, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी अगर देखोगे तो जो है। एक बार बड़ी फिगर यस सब समझ में आएगा तुम्हें, देखना है। थोड़ा नजदीक ले लेता हूँ ना और बेटर रहेगा, देखो ये रह गई, ये थोड़ा सा इधर को बेंड हो गई, लग रहा होगा ना तुम्हें, जी सर। यहां पे नॉर्मल वही सी से ही पास होगा, ये नॉर्मल हो गया। अब जितना एंगल आई था उतना ही एंगल आर बना, और फिर वो अवे हो जाएगी, अवे का मतलब ऐसे हो गई, बता क्लियर है कि नहीं है, इधर कहीं इमेज बनेगी, बस हो गया फाइनल इमेज। पीयूष समझ में आ गया, बता जो है तीन स्टेप यस है, सर। तीन स्टेप होंगे, यहां पे होगा रिफ्रैक्शन और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, यहां पे होगा रिफ्लेक्शन और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगेगा, और जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, और फिर लास्ट में यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, उसके हिसाब से इमेज बनाओ। कोई डाउट तो नहीं है, बता दो टीएम, बता कोई डाउट तो नहीं है। 39। इसमें तुम्हें ना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था, और इसमें येलो लाइट यूज की थी। अब तुमसे कहता है कि जब येलो लाइट एक्स रे से रिप्लेस करते हो तो क्या होगा। अच्छा, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वैसे, नहीं अगर दोनों देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो फिर उस केस में ना तुम्हें कोई डिफ्रेक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, नो डिफ्रेक्शन पैटर्न। अब तुम रीजन देखो क्या है, ये बताओ कि जो इनर्जी ऑफ एक्सरेज होती है
वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ येलो लाइट होती है भाई। कहाँ एक्सरे, कहाँ विजिबल लाइट, नहीं मतलब जो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब जो लैम्डा ऑफ एक्स रेज होगी वो वेरी वेरी लेस देन लैम्डा ऑफ येलो लाइट होगी। और इतना तुम्हें याद होगा कि डिफ्रेक्शन तब मिलता है जब एपर्चर जो साइज होता है वो वेवलेंथ ऑफ वेव, मतलब वेव के ऑर्डर का होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं है। टीएम डिफ्रेक्शन तुम्हें तब जी मिलता है जब एपर्चर किस साइज का होता है, बताओ, जो है वेवलेंथ ऑफ वेव के ऑर्डर का होता है। अब ये बताओ, ये तो मैंने येलो लाइट के लिए बनाया था ना, ये एपर्चर मैंने येलो लाइट के लिए बनाया था, क्यों? इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो येलो लाइट के ऑर्डर का है, और अब मैं उसमें एक्सरे यूज कर रहा हूं तो डिफ्रेक्शन क्यों मिलेगा जो है। पीयूष समझ में आया क्या कह रहा हूं? कि एक्स रेज की वेवलेंथ येलो लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटी है और डिफ्रेक्शन आपको तब मिलता है जब एपर्चर साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। और पहले मैं येलो लाइट के लिए डिफ्रेक्शन कर रहा था, इसका मतलब एपर्चर साइज क्या था, येलो लाइट के ऑर्डर का था, तो एक्सरेज का तो खैर बहुत ही छोटी वेवलेंथ है तो उसमें नहीं होगा। सर। yes, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है 41। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तुम्हें याद होगा। ये ना एक सिलेंडर टाइप का होता है और इसमें लाइट ऐसे डालते थे, यस सर। याद है ना, क्लास में किया होगा। ये सिलेंडर है, तो फ्रिंजेज किस शेप की मिलेंगी ऐसे पूछता है तुम्हें। जस्ट एक बार याद करवा दे रहा हूं, सुनो। पहली बात तो इसका जो आंसर आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और कंसेप्ट क्या होता है देखो। बेसिकली फ्रिंज होती क्या चीज है, फ्रिंज होती है लोकस ऑफ पॉइंट्स जहां पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। नहीं होता लोकस ऑफ पॉइंट जहां पे फेज डिफरेंस कह रहे हैं कांस्टेंट है, और अगर वो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कुछ भी कह लो, ठीक है, अगर वो पाथ डिफरेंस एक तरीके से जीरो हो जाए तो फिर वो सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज होगी ना, वाई नॉट कह लो, क्यों, ये हो गई। अगर वो नेट पाथ डिफरेंस प्लस या माइनस लेमडा बाई टू हो जाए तो उसको मैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कह सकता हूं, छोटे वाई से दिखा दे रहा हूं, क्यों, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हो गया। और इसी टाइप से अगर मान लो डेल्टा एक्स नेट की वैल्यू प्लस या माइनस लेमडा हो जाए तो एक तरीके से वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो गया, क्यों। टीएम कुछ याद आ रहा है कि फ्रिंज हम किसे कहते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स जहां पे फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस कह रहे हैं कांस्टेंट है, एक तो ये हो गया। अब अगर नेट पाथ डिफरेंस मान लो कहीं पे जीरो है तो उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कह देंगे, वो फ्रिंज कह देंगे, या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कई बार कहते हैं। अगर वो प्लस या माइनस लेमडा बाई टू हो जाए तो उसको हम फर्स्ट मिनिमा कह देंगे, और प्लस माइनस लेमडा हो जाए तो फर्स्ट मैक्सिमा कह देंगे, एंड सो ऑन। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात, इस फिगर में तुम्हें याद होगा कि जो पार्ट डिफरेंस होता था वो ना ये जो एयर की थिकनेस बन रही है ऐसे, इस पे डिपेंड करता है। ये थिकनेस फॉर एग्जांपल टी है तो इसका मतलब जो डेल्टा एक्स होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टी। अब मुझे डेल्टा एक्स को कांस्टेंट रखना है तो मेरे को एक तरीके से थिकनेस को कांस्टेंट रखना है ना। पीयूष समझ में आ रहा है, बता। एयर थिकनेस कांस्टेंट रखनी है तो एयर थिकनेस यस विजुलाइज कर सकते हो, ये ऐसे बनेगी ना बेटा, जैसे ये है देखो,
ये आ गया। अब तुम ये बताओ कि जैसे यहां पे भी हुई थिकनेस मिलेगी, और इसको मैं थ्रू आउट अगर अंदर चला जाऊं इसी में ना, क्रॉस डायरेक्शन में जरा इमेजिन करके चलो, क्रॉस डायरेक्शन में इमेजिन करके चलो, तो इसमें थिकनेस बिल्कुल थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी बता जो है, अगर क्रॉस डायरेक्शन में चले जाओ अंदर को चले जाओगे। ये हो गया, बस हो गया जो है ये टीएम। समझ में आया बता? फ्रिंज हम सर उसे कहते हैं, ठीक है, फ्रिंज उसे कहते हैं जहां पे नेट पाथ डिफरेंस या नेट फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट्स कह लो पहली बात। अगर नेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाए तो वो उसको हम 0 ऑर्डर मैक्सिमा कह देते हैं, प्लस माइनस लेमडा बाई 2 हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कह देते हैं, प्लस माइनस लेमडा हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन। इस फिगर में जो पाथ डिफरेंस होता है वो थिकनेस डिपेंडेंट होता है, जो थिकनेस मैंने दिखा रखी है यहाँ पे, और दो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेंगी जैसे थिकनेस को, मतलब अगर आपको डेल्टा एक्स को कांस्टेंट रखना है तो थिकनेस को कांस्टेंट रखना है बेसिकली, ठीक, तो दो स्ट्रेट लाइन ऐसी होंगी जिसमें थिकनेस क्या होगी, कांस्टेंट होगी बस। अच्छा उसी में अगर मैं बाहर चला जाऊंगा ना, जैसे ये है देखो उल्टा, ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं यहां पे और यहां पे जाता हूँ, हाँ लेकिन ये पूरे क्रॉस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा मुझे, ये क्रॉस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इसमें थिकनेस कांस्टेंट है, हाँ, और वो थिकनेस मान लो टी वन कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स वन कॉन्स्टेंट होगा और लेट कुछ भी कह लो, मान लो वो प्लस माइनस लेमडा है मान लो, तो फिर ये कौन सी वाली फ्रिंज बन रही है बताओ जो है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की फ्रिंज बन रही होगी, ठीक है, एक तरीके से जस्ट ये कह लो। अब मैं अगर यहां पर चला जाऊं, देखो ये और ये, इस पे कुछ दूसरी थिकनेस फिक्स है ना, यहाँ पे टी टू कॉन्स्टेंट है और डेल्टा एक्स नेट ये कॉन्स्टेंट हो गया मान लो, और ये मान लो प्लस या माइनस 2 लेमडा हो गया, तो एक तरीके से ये फिर क्या चीज हो जाती है, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हो गया एंड सो ऑन कर दिया। होने को यहाँ पे केवल इतना ही नहीं देखा जाता, अभी फेज डिफरेंस भी देखा जाता ना, जो दो इंटरफेयरिंग रेज हैं उनमें ये भी देखा जाता है कि कहीं पहले से पाई का फेज डिफरेंस तो नहीं चल रहा, ये जस्ट एक मैंने रफ बताया जो है कि अलग अलग उस पर अगर जाओगे तो थिकनेस अलग अलग होगी, तो अलग अलग फ्रिंजेस मिलेंगे। और ये बताओ कि अगर यही चीज ना स्पेरिकल होती थी बेटा, ये बताओ अगर ये हेमी स्पेयर बन जाए तो बताओ थिकनेस तुम्हें कॉन्स्टेंट किस में मिलती है, अगर ये हेमी स्पेयर बन जाए तो जो थिकनेस कॉन्स्टेंट आती है वो तुम्हें एक सर्किल में मिलती है, क्यों, थोड़ा इमेजिन करके देखना, इसका मतलब जो डेल्टा एक्स जी सर, कांस्टेंट होगा ये भी सर्किल में मिलेगा तुम्हें, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिंजेस कैसे मिलेंगी बताओ जो है, यहाँ पे फ्रिंजेस मिलेंगी सर्कुलर मिलेंगी, और यस सर, इसको ना न्यूटन्स रिंग कहते हैं, ध्यान रखना, तो इस वाले को भी देख लेना। नेक्स्ट है 42। ये भी तुम्हें हर बुक में भी मिल ही जाएगा, क्लास में भी हमने किया हुआ, एक बार फिर से वो करवा देता हूँ। इसमें ये था ना, जैसे ये मिरर था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था और फिर यहाँ पे एक लाइन होती है जिसमें एक ऑब्जर्वर चल रहा है, क्यों, जैसा होता था ना, तो इस लाइन में मैक्सिमम कितनी लेंथ तक वो इमेज को देख पाएगा, ऐसा होता था। और अगर जैसे ये डी दे रखा है मान लो, ये भी डी होता था और मिरर की आपको लेंथ एल दे रखी है, तो इसमें ऐसा होता था ना कि इसकी इमेज बनानी होती थी पहले हमें, याद करो, जैसे ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी यहाँ पे बन गई, उतनी ही डिस्टेंस पे, हाँ ये हो गई। उसके बाद होता था एक फील्ड ऑफ व्यू,
और फील्ड ऑफ व्यू ऐसे बनता था ना बिल्कुल एक्सट्रीम एंड से, क्यों ये ऐसे होता था, ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया, क्यों अब ऑब्वियस ही बात है सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज इसके बीच में ही तो होंगी कि नहीं होंगी बताओ, जो है इसके बीच में होंगी तो ये आ जी सर। गया, ये वाली ये आंसर आ जाता है ना बेटा, इसका ये आंसर आ जाता है, और ये बाय द वे कितना आता है 3L आता है, इस फिगर के हिसाब से ये आंसर होगा और ये आंसर आ जाएगा 3L। यस सर। और वो ये दो सिमिलर ट्रायंगल देख लेना ना, जैसे ये वाला एक, तो ये वाला क्यों, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल देख लेना बस, हो गया, जैसे ये डी है ये एल है, तो जब वो 3D होगा तो वो फिर कितना आ जाएगा 3L हो जाएगा। और एक चीज और मैं बताता था कि ये जो रे है एक्चुअल में पीछे से थोड़ी आ रही है, तो ये वाली रे है बेटा, क्यों ये तो ये वाली रे है ना, उसी टाइप से ये वाली जो रे आ रही है ये पीछे से थोड़ी आ रही है, ये तो ये आ रही है, याद आ गया होगा मेरे ख्याल से सारी बात, ठीक है, कि अगर आपको इमेज को देखना है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट मिरर और इमेज के करस्पॉन्डिंग एक फील्ड ऑफ व्यू बनाओगे, और आपको इमेज को देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू में रहना पड़ेगा, बस हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 43। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है अगर तुम्हें याद हो। ये N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये N2 है, और तुम्हें N1 N2 से बड़ा दिया हुआ है, और ये अल्फा है, अल्फा की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सो दैट कि जैसे ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है, सो दैट कि ए बी पे TIR हो जाए, या तुमसे कई बार ऐसा भी कहता है कि वो बी सी से निकलेगी फिर, मतलब ऐसे हुआ ना जैसे ये ऐसे है तो फिर ये इधर से आएगी कुछ ऐसे, समझ गए ना, मतलब और हिट स्ट्राइक्स बी सी, टीएम समझ में आ गया, कुछ भी कह सकता ना कि या तो तुमसे कहता है कि ए बी पे TIR हो जाए, और या फिर टी आई आर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बी सी पे आएगा कलेज में, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते थे, देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ये करते थे, कुछ भी कह लेता हूँ, इसको बीटा कह लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको गामा कह लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले ना गामा को थीटा सी ही ले लेता हूँ क्रिटिकल एंगल, और वैसे बाय द वे क्रिटिकल एंगल होगा कितना, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर होगा ना, नहीं साइन इनवर्स, मैसेज कौन कर रहा है, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर होगा। अब म्यू रेयरर हो गया N2 और म्यू डेंसर हो गया N1, तो ये तो तुमने गामा ले लिया। अब जरा देख बीटा की जो वैल्यू होगी फ्यूज, ये बताइए 90 माइनस गामा होगी ना, यस सर। उसके बाद मैं इस पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, तो ये क्या बनेगा बता, जो है N1 साइन अल्फा इक्वल टू N2 साइन बीटा, या कह ले N2 साइन 90 माइनस गामा, और साइन 90 माइनस गामा का मतलब हो गया कॉस गामा, क्यों
तो ये आ गया एन टू कॉस गामा, बता क्लियर है? ये हो गया। अब यहां से तुम अल्फा निकाल लेना, फाइंड अल्फा। अब इसके बाद कहानी क्या होती है देख, जैसे अल्फा की मैं वैल्यू निकाल देता हूं कितनी हो गया। देख अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स, एन टू अपॉन एन वन कॉस गामा। सही बोल रहा हूं पीयूष? कैलकुलेशन बता बेटा, जो है अल्फा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एन टू अपॉन एन वन कॉस गामा। अब कॉस गामा कितना होगा, कॉस गामा होगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक। लेकिन गामा को मैंने कितना लिख लिया है, क्रिटिकल एंगल ले लिया ना, क्यों? तो ये साइन स्क्वायर क्रिटिकल एंगल हो गया, यस सर। और साइन क्रिटिकल होता था म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर क्रिटिकल एंगल कितना हो गया होता है, ये हो गया एन टू का स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। तो अल्फा की तुम्हारी ये वैल्यू निकल के आई। अब इसके बाद क्या होता है, देखो अल्फा की जब मैं इस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा हूं तो मुझे गामा इक्वल टू थीटा सी मिल रहा है, समझ में आ रहा? बता, अल्फा की इस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा हूं तो मुझे गामा इक्वल टू थीटा सी मिल रहा है। अब ये बता कि अगर अल्फा की वैल्यू मैं इस वैल्यू से कम करूंगा तो बीटा भी कम होगा, तो फिर गामा की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो जाएगी। क्यों? गामा की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब टी आई आर होगा। तो अगर मुझे टी आई आर चाहिए तो मुझे अल्फा की वैल्यू इस वैल्यू से कम रखनी चाहिए, इसका मतलब ये जो भी मैंने अल्फा निकाला है यही अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू है। बस हो, एक बार रिपीट कर रहा हूं सुन ले। सबसे पहली बात, एन वन एन टू से बड़ा है, इसका मतलब ये डेंसर है ये रेयरर है, तो यहां पे टी आई आर के चांसेस तो बनते हैं। दूसरी बात, उसने कहा है कि ए बी पे या तो टी आई आर हो जाए और या बी सी तक पहुंच जाए रे ऑफ लाइट। तो मैंने तीन एंगल यहां पे दिखाए हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले मैंने गामा को थीटा सी निकाल लिया, तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस गामा है, और फिर मैंने यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया, वहां से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली और अल्फा की ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन तुम चेक करोगे, ठीक है? अल्फा की ये वैल्यू आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि अल्फा की जब मैं इस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा हूं तो मुझे गामा एंगल थीटा सी के इक्वल आ रहा है। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू को इस वैल्यू से कम करता हूं तो बीटा भी कम हो जाएगा लेकिन गामा बढ़ जाएगा, इसका मतलब अब वो थीटा सी से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब टी आई आर हो जाएगा। तो अगर मुझे टी आई आर करना है तो मुझे अल्फा की वैल्यू इस वैल्यू से कम रखनी है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी बता, जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी। पीयूष क्लियर है ना पॉइंट? कोई डाउट है तो यस बता दे। yes. उसके बाद चलते हैं 44। फोर्टी फोर तो सिंपल ये था कि जैसे ना ये एक स्लैब थी, तो यहां पे तुम्हें ये वाला एंगल दिया था, तो तुमसे ये कहता है जब ये स्लैब से बाहर निकलेगी तो उन रेज के बीच में एंगल कितना होगा। तुम जानते होगे ना, जैसे ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अब तुम्हें याद है कि इसमें ना
ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल आती है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है, क्यों? यूज बता। ये दोनों रे पैरेलल आती हैं, इसी टाइप से ये वाली रे और ये वाली रे ये भी पैरेलल आती है, बस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इन दोनों के बीच में अल्फा का एंगल है तो इन दोनों रेज के बीच में भी कितना एंगल होगा? अल्फा ही रहेगा, बस हो गया। क्यों? सिंपल यस सर। सी बात है ना, ये ऐसे आई और वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, जो स्पैरल है, लेकिन ये जैसे ऐसे हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में भी क्या होगा? अल्फा ही बनेगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये अगर स्लैब से रे ऑफ लाइट निकलती है तो पैरेलल निकलती है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर निकलती है, ठीक। उसके बाद 45, तुम्हें दो लिक्विड दे रखे थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 2 ग्रेटर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1, और ये 1 से बड़ा था, एक तो ये था। उसके बाद तुम्हें हॉलो कनकेव लेंस दिया था, और तुमसे कहता है कि ये कनकेव की तरह ही बिहेव करे, मतलब डाइवर्ज की तरह बिहेव करे, डाइवर्जिंग लेंस बने। मतलब कनकेव की तरह दिख रहा है और कनकेव की तरह ही बिहेव करना है। तो तुमसे ये कहा था कि लेंस के अंदर कौन सा लिक्विड रखा जाए और बाहर मीडियम कौन सा होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कनकेव लेंस तुम जान चाहते हो कि कनकेव की तरह ही बिहेव करे, ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जैसे ये मान लो 1 है, या ए कह दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ए, और ये बी है मान लो, तो बस तुम्हारा कंसेप्ट ये है कि म्यू ए म्यू बी से बड़ा होना चाहिए, बता। उनमें से ऑप्शन देख लेगा, ये कंसेप्ट होता है कि नहीं होता, बता। जो है, अगर कोई लेंस कनकेव की तरह दिख रहा है और तुम चाहते हो कि वो कनकेव की तरह ही बिहेव करे, तो जिस मीडियम का लेंस बना हो वो मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, बता। जो है, ज्यादा होना चाहिए। पीयूष, क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो उसमें तीन चार ऑप्शन दिए थे कि क्या तुम्हें करना है। जैसे तू ये देख कि अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, देख ध्यान से देख, लेंस और मीडियम कह देता हूँ। हाँ, लेंस मान ले L1 का बना हो और मीडियम एयर का बना हो तो चलेगा? क्यों? चलेगा ना। सर लेंस मान ले L2 का बना हो और मीडियम एयर का बना हो तो भी चलेगा, और लेंस मान ले L2 का बना हो और मीडियम L1 का बनाओ तो भी चलेगा, ये कह ले, ये कॉम्बिनेशन कुछ हो सकते हैं। क्यों? ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं 46। ये बिल्कुल 27 की तरह था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैल्यूज लिख दे रहा हूं, जस्ट याद करना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी और तुम्हें मैग्निफिकेशन दिया था 5, तो तुम्हें याद होगा किस मैग्निफिकेशन को हम एम इन्फिनिटी से दिखा देते हैं और वो एफ ओ अपॉन एफ ई के इक्वल होता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वो दे रखी थी 36 सेंटीमीटर, ये आ चुका ना पहले क्वेश्चन, तो तुमको याद होगा। और इसको हम एल इन्फिनिटी से दिखा देते हैं और ये एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल होता है, क्यों? फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना, तो यहां से एफ ओ और एफ ई निकालना था, बस हो गया। फाइंड एफ ओ एंड एफ ई। ठीक हो गया?
47 YDSC में अगर विड्थ ऑफ वन स्लिट, विड्थ ऑफ वन स्लिट स्लाइटली इंक्रीज्ड तो फिर क्या होगा, ये पूछा था। ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब विड्थ इक्वल होती है ना, तो हम ये नहीं मानते कि फर्स्ट और सेकंड वो सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और आई नॉट कर रहे हैं, और उस केस में आई मैक्स की वैल्यू पूरा आई नॉट आती है और आई मिनिमम की वैल्यू जीरो आती है। क्यों पीयूष, समझ में आया बेटा? जब दोनों की विड्थ सेम होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों स्लिट सेम इंटेंसिटी आई नॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में आई मैक्स फोर आई नॉट और आई मिनिमम जीरो आता है। तेरा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या तेरे वहां से, या मेरे पार्ट से आ रहा है डिस्टरबेंस? नो सर, सही। अब क्या है देखो, अगर तुम एक विड्थ की स्लिट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो, मान लो मैं वन को इंक्रीज कर देता हूँ, तो आई वन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आई नॉट हो जाएगी ना। लेट एन आई नॉट आ गई, मान लो एन वन से बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना, और आई टू सेम रहेगी, तो इस केस में तुम जानते होगे कि आई मैक्स की वैल्यू अब वो भी फोर आई नॉट से बड़ी हो जाती है और आई मिनिमम की वैल्यू वो जीरो से बड़ी हो जाती है, बस हो गया। इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और आई मैक्स का वैसे फॉर्मूला होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम का होता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, जब स्लिट्स इक्वल विड्थ की हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों की दोनों स्लिट्स इक्वल इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है आई नॉट कह लो, तो उस केस में मैं आई मैक्स मिलती है फोर आई नॉट और आई मिनिमम मिलती है जीरो। अगर मैं एक स्लिट की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी, तो उस केस में आई मैक्स की वैल्यू फोर आई नॉट से ज्यादा हो जाएगी और आई मिनिमम की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब दोनों इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसके बाद था 48। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, जैसे कई सारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो पैरेलल है, फिर इधर आई मान लो, फिर इधर आई, ऐसे क्या। इस केस में तुम जानते हो कि म्यू साइन आई, यस सर, जंप कर दे, पहले तो कांस्टेंट आएगा, क्यों? यस सर। और दूसरी बात सिंपल सा ये होता है, जैसे ये मान लो ए है, ये बी है, तो अगर म्यू ए इक्वल टू म्यू बी होगा तो ऑब्वियस सी बात है आई ए और आई बी इक्वल भी होंगे फिर। यस ये होगा ना बेटा ये वाले, क्यों? ठीक, इसका मतलब उस केस में ये रेज क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, बस हो गया, इस पे बेस्ड है। कंसेप्ट एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, कई सारी पैरेलल बाउंड्रीज हैं उसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, तो म्यू साइन आई इक्वल टू हमने कांस्टेंट अप्लाई किया, जहां जहां पे म्यू सेम होगा वहां वहां पे आई एंगल सेम होगा, इसका मतलब वो रेज आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बस हो गया। अच्छा वही कंसेप्ट तो यहाँ भी लग रहा था, अगर तू देखना, जैसे ये है बेटा जो है ये वाले में भी तो वही कंसेप्ट लग रहा था, जैसे रे ऐसे आई और फिर ऐसे निकल गई थी, तो एक बात बता, ये भी एयर था और ये भी एयर था, यहाँ भी तो वही कंसेप्ट लग रहा है, नहीं बता जो है, दोनों जगह सेम पीडीएम है, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होंगी रेज।
उसके बाद था 49। ये भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। जैसे एक प्रिज्म ये दे रखा है और इसमें मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम दिया हुआ है, तो तुमसे कहता है कि अगर मैं ऐसे लगा दूं तीन आइडेंटिकल प्रिज्म, तो इसमें भी मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम ही रहेगा ना फिर। यस सर। और रीजन सिंपल ये होता है कि इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, बस क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रिज्म बन गया, बस क्योंकि अगर देखोगे तो नहीं है बता जो है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये छोटा इक्विलेटर प्रिज्म बन गया और ये बड़ा इक्विलेटर प्रिज्म बन गया, बस हो गया। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट भी याद होगा कि अगर इसमें मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी मिनिमम डेविएशन कितना आता है, डेल्टा एम के इक्वल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50। इंटरफेरेंस में एक इंटेंसिटी आई है और एक इंटेंसिटी 4 आई है। अब तुम्हें इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहां पे फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, डिफरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहां पे फेज डिफरेंस पाई है वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि इंटरफ्रेंस में आपको दो इंटेंसिटी दे रखी है आई और 4 आई, तुम्हें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है जहां पे फेज डिफरेंस पाई बाई टू है और जहां पे पाई है, और उनका फेज डिफरेंस, उनका डिफरेंस निकालना है। तो मैंने तुमसे कहा था ना इसको तुम एम्पलीट्यूड की तरह कर लो, बेटर ये है कि इसको जैसे एम्पलीट्यूड ए ले लो, इसको एम्पलीट्यूड 2a ले लो। अब ये बताओ जहां पे फेज डिफरेंस पाई बाई टू है तो वहां पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा बता, जो है रूट 2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बता। ठीक है, यस सर। इसका मतलब रूट 5a आ गया, क्यों? लेकिन मुझे तो इंटेंसिटी चाहिए, क्यों नहीं है, मुझे इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो गया होता, जो है इंटेंसिटी 5a आ गई, 5i आ गई, क्यों? यस, ये हो गया। अब चलते हैं जहां पे फेज डिफरेंस पाई था, वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये बता 2a माइनस a, वो a हो जाएगा, लेकिन यस अगेन मुझे तो इंटेंसिटी चाहिए, तो इसका मतलब इंटेंसिटी a के करस्पोंडिंग कितनी हो जाएगी, आई आ जाएगी, क्यों? ये आ गई, तो मेरे को दोनों का डिफरेंस चाहिए था, तो दोनों का डिफरेंस 4i आ गया, क्यों? और वैसे उससे करके भी देख लेना, देखिए ये था ना बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता था, नेट याद कर, i1 प्लस i2 प्लस 2√i1i2, तू बाहर था ना? यस सर। और कॉस फाइव बाहर आता है, ये होता है, क्यों? अब जरा इसमें चेक करके देखना, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो कितनी आ रही है, जरा देख, फाई जब पाई बाई टू है तो जरा देखना, ये i1 प्लस i2 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब 5 आ जा रही है, क्यों? ये हो गया। और जरा देखना जब फाई को मैं पाई लिख दूं तो जरा देखना कितना आ रहा है, ऊपर वाले में फाई को पाई रख के देखना, i1 ये तो आ गया, i1 प्लस i2 तो आ गया 5 पाई, ठीक है, उधर 2 माइनस आप देखना कुछ गड़बड़ है, 2 आ गया, 2 4 देखना पाई रख के कितना आ रहा है बेटा, जो है i1 प्लस i2 आई आ रहा था। आई आ रहा है, यस।
हाँ आई आ गई, सुनिए वही यहाँ से निकल जाता है, समझ में आ गया ना, दो तरीके हो गए। अब चलते हैं 51। ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि YDAC में ना, जैसे ये है, ये कोई गिवन एरिया है, इतने में तुम्हें 12 फ्रिंजेज मिल रही हैं, जब तुम 600 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हो, तो तुमसे कहता है कितनी फ्रिंजेज मिलेंगी अगर तुम 400 नैनोमीटर ये लाइट यूज करो। ठीक, अब सुन, ये बता कि ये वाली डिस्टेंस कुछ भी मान ले, ये वाली डिस्टेंस मान ले डी है, डी नहीं एक्स ले लेता हूं, ठीक है वाई ले लेता हूं, या चलो, तो इसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आएंगी बता, जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगी वाई अपॉन फ्रिंज विड्थ, बता, यस नहीं होता, अगर मेरे को वाई डिस्टेंस पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए तो कितनी होंगी बता, वाई अपॉन फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा डी अपॉन डी होती है, क्यों, ये हो गई, सर, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आएंगी इस पे बता, जो है वाई स्मॉल डी अपॉन लैम्डा इंटू कैपिटल डी। अब तेरे को दिख रहा होगा कि वाई की वैल्यू भी वही है, स्मॉल डी भी वही है, कैपिटल डी भी वही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो गई बता, जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो गई, तो बस हो गया यहां से N2/N1, ये λ1 अपॉन λ2 आ गया, क्यों, λ1 दे रखा था तुम्हें 600, λ2 तुम्हें दे रखा 400, और N1 दे रखा था 12, क्यों, तो यहां से N2 फाइंड कर, कंसेप्ट समझ में आ गया, यस वाई लेंथ में आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी मिलेंगी, वाई अपॉन फ्रिंज विड्थ, और उसमें फिर वाई स्मॉल डी और कैपिटल डी वो तो सेम था, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोपोर्शनल टू 1/λ होगी, ये ठीक, और वैसे भी एक छोटी सी बात ये है ना, देख फ्रिंज विड्थ जो आती है बेटा, जो है वो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होती है, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगी, ठीक है। अब मैं यहां पे वेवलेंथ को कम कर रहा हूं तो फ्रिंज विड्थ भी छोटी हो जाएगी, नहीं है, अगर मैं वेवलेंथ को कम करूंगा तो फ्रिंज साइज भी छोटी हो जाएगी, तो उतने ही एरिया में या उतनी ही डिस्टेंस पे तुम्हें ज्यादा फ्रिंजेस दिखेंगे, क्यों, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, देख जैसे ये बेंच है बेटा, जो है इस बेंच में अगर मोटे मोटे बच्चे बैठेंगे तो कम बैठ पाएंगे, और अगर पतले बच्चे बैठेंगे तो ज्यादा बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ, उतने में ही यस सर, ये कह लो, ठीक है, तो वही वाली चीज यहाँ पे हो गई कि लैम्डा की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब फ्रिंज साइज छोटा हो जाएगा, तो उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होंगे तुम्हें ज्यादा फ्रिंज देंगे। नेक्स्ट लास्ट है 52। यहां पर तुम जानते हो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और वो 4I0 होती है। अब तुमने क्या किया कि यहां पे एक स्लैब रखी, तो तुम जानते हो कि पूरा पैटर्न ऊपर को शिफ्ट हो जाता है, क्यों, नहीं है, जिधर को स्लैब रखते हो पूरा पैटर्न ऊपर को शिफ्ट हो जाता है, तो तुमसे ये कहता है कि इसकी मिनिमम थिकनेस कितनी हो, कि P
पी पे इंटेंसिटी अनचेंज है, पीयूष समझ में आया यस कि जब आप कोई स्लैब रखते हो तो पूरे का पूरा पैटर्न उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर तुम स्लैब रखते हो, तो तुमसे कह रहा है थिकनेस मिनिमम कितनी हो कि वो पूरे का पूरा पैटर्न मतलब वहां पे इंटेंसिटी सेम रहे। अब तो ये बता कि यहाँ पे 4I0 है, इसके नीचे भी कहीं 4I0 रही होगी, फिर इधर भी कहीं 4I0 रही होगी, इसका मतलब एक तरीके से ये वाला पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाए, बता। Yes, मुझे मिनिमम थिकनेस निकालनी है, बता ये क्लियर है कि नहीं बता। जब मिनिमम थिकनेस निकालनी है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाए ना, ये वाला पॉइंट, तो तुम्हें शिफ्ट केवल कितने का चाहिए बता। जो है एक फ्रिंज विड्थ का चाहिए, इसका मतलब जो तुम्हारा शिफ्ट होना चाहिए वो एक फ्रिंज विड्थ का होना चाहिए, बस हो गया। और शिफ्ट का तुम फॉर्मूला तुम्हें याद होगा म्यू माइनस वन टी डी अपॉन डी होता है, क्यों? और ओमेगा होता है लैम्डा डी अपॉन डी, क्यों? तो यहां से yes, डी अपॉन डी कैंसिल हो गया, तो यहां से जो भी थिकनेस निकल के आएगी लैम्डा अपॉन म्यू माइनस वन होगी, ये कह लो। अच्छा लैम्डा म्यू सब तुम्हें दिया था क्वेश्चन में, कंसेप्ट समझ में आ गया बता। जो है कि जिधर को तुम स्लैब रखते हो पूरे का पूरा पैटर्न उधर ही शिफ्ट हो जाता है, और पी पॉइंट पे पहले 4I0 थी और तुम चाह रहे हो कि वही इंटेंसिटी रहे, तो इसका मतलब उसके जस्ट नीचे वाला जो है जो 4I0 है वो वहां पे आ जाए, तो इसका मतलब तुम्हें शिफ्ट केवल एक फ्रिंज विड्थ के इक्वल करना है। और शिफ्ट का फॉर्मूला तुम्हें थ्योरी में मिलता ही है, म्यू माइनस वन टी डी अपॉन डी लैम्डा डी अपॉन डी करते तो सर। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न में। ओके।